स्वागत है आपका मैथ मैचल ट्यूटोरियल पे। आज हम लोग प्रीवियस ईयर जेईई मेन टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि इंटीग्रेशन चैप्टर से है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ठीक, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता इन केस तो आप 2-3 मिनट ट्राई करिए, उसके बाद वीडियो का सोल्यूशन देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ln(-1)(ln)2+1)2dx। तो ऐसे हम लोग ln x में इंटीग्रेशन करने नहीं आता, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग e की पावर t मानेंगे, ठीक। तो यहाँ पे dx इक्वल टू e की पावर t dt हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम लोग रखेंगे x वैल्यू e की पावर t, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, t-1 और नीचे t²+1 हो जाएगा और dx वैल्यू e की पावर t dt हो जाएगा, ठीक। अब जब t-1 जब खोलेंगे तो कितना आएगा, t²+1 -2t/t²+1 और यहाँ पे dt * e की पावर t, ठीक। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसे जब इधर लेके जाएंगे और इधर तो कितना आएगा, 1/t²+1, यहाँ पे एक पार्टी कॉमन कर देते हैं, -2t/t²+1 dt। अब इसका आंसर क्या आएगा, एक पार्टी अपॉन में t²+1+c। क्यों क्यों आएगा, क्योंकि इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक पार्टी का डिफ्रेंशिएट एक पार्टी और 1/t²+1, ठीक, प्लस फिर एक बार टी को छोड़ देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कितना आएगा, -1/t²+1 2t। तो ये कितना आया, एक बार टी अपॉन में t²+1 -2t एक बार टी अपॉन में t²+1 2। तो देखिए एकदम सेम आ रहा है, तो हम लोग का आंसर यही होगा। अब यहाँ से टी की वैल्यू हम लोग रख देंगे, टी की वैल्यू कितनी है, एल एन एक्स है। तो यहाँ पे जब एल एन एक्स रखेंगे, देखिए ना यहाँ पे एक्स वैल्यू का टी एक बार टी है, तो एक बार टी की वैल्यू कितनी है, एक्स आएगी, ठीक, x अपॉन में और t t²+1 है। तो हम लोग जब यहाँ पे दोनों पे ln लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ln x इक्वल्स टू t आएगा, तो t के लिए ln x है। तो यहाँ पे जब रखेंगे इस वैल्यू इसमें तो कितना आएगा, ln x का होल स्क्वायर प्लस वन और प्लस c इज अ कॉन्स्टेंट। तो यही इसका सॉल्यूशन हुआ, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है इसका। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।